आज दोस्तों इस टॉपिक में देखते हैं कि इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर। समझाने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं और फिर देखते हैं इंटीजर कैसे नंबर लाइन पे बैठता है। दोस्तों ये हमने एक नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन बनाने के बाद सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट, एक मिडल पॉइंट लेना है जिसको हम ओ और जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने एक जीरो ले लिया और एक मिडल नंबर ले लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जीरो के लेफ्ट तरफ और जीरो के राइट तरफ आप ध्यान दीजिए, हमने इक्वल नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बनाई है, हमने इक्वल नंबर ऑफ स्केलिंग करी है, इक्वल नंबर से स्केलिंग करी है। किस तरह से, देखिए राइट साइड में जब आप चलेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर अगर हम इसकी स्केलिंग में इसको वन लिख देते हैं, इसको टू लिख देते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, ये डिस्टेंस है पॉजिटिव वन, ये डिस्टेंस है पॉजिटिव वन, तो पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन मिलके कितना बना टू, तो टू रिप्रेजेंट हो गया। फिर लिखते हैं पॉजिटिव वन, ये पॉजिटिव वन फिर से डालेंगे तो कितना हो गया थ्री, फिर लिखेंगे पॉजिटिव वन ये फोर बन जाएगा, फिर लिखेंगे पॉजिटिव वन ये फाइव बन जाएगा, फिर लिखेंगे पॉजिटिव वन ये सिक्स, करते चले जाएंगे सेवन एट, ये हो गया नाइन और ये हो गया। तो देखिए हम जितना ही पॉजिटिव वन की तरफ करते जा रहे हैं तो मेरे पास नंबर राइट साइड में बढ़ते चले जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी चीज को यहां पर नेगेटिव नंबर से करूं तो नेगेटिव वन करूंगा, फिर से नेगेटिव वन करूंगा, फिर से नेगेटिव, मतलब मैं अब इस टाइम पे जो स्केलिंग कर रहा हूं वो नेगेटिव वन की कर रहा हूं, हर नंबर नेगेटिव वन चलता चलेगा। क्या नंबर मिलने वाले हैं, ये मिलेगा नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव फोर, नेगेटिव फाइव, नेगेटिव सिक्स, नेगेटिव सेवन, नेगेटिव एट और नेगेटिव नाइन। और गौर कीजिएगा ये क्या है, ये है माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन माइनस वन, तो स्केलिंग यहाँ पे क्या है, जीरो के जैसी लेफ्ट तरफ जाएंगे तो हमें नेगेटिव वन वन आगे मिलता चला जाएगा, राइट तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वन वन मिलता चला जाएगा। तो इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेशन कैसी बनाई, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन अब मेरे सामने यहां बनी हुई हैं। गौर कीजिएगा, आपको थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है नेगेटिव एट, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दो चीजें हैं इसमें, एक तो है इसका नेगेटिव पार्ट जो कि ये है और एक है इसका एलिमेंट जो कि एट है। तो नेगेटिव जो पार्ट है ये क्या बताता है मुझे कि ये जो नंबर है ये जीरो के लेफ्ट ऑफ जीरो है, जीरो के लेफ्ट तरफ बना हुआ है। और एट क्या बताता है दोस्तों कि ये इसका जो एलिमेंट है, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी है एट, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ जीरो आप जाइए और वैल्यू एट कीजिए, आपको नेगेटिव एट यहां मिलने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक नंबर लेता हूं टेन और इसको मैं लिखूं पॉजिटिव टेन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है दोस्तों कि यहां पर सिंबल देखिए क्या है, पॉजिटिव सिंबल है, पॉजिटिव पार्ट क्या है इसका, इसका मतलब ये क्या है राइट ऑफ जीरो में जाता है ये, और इसका वैल्यू कितना है टेन है, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है टेन, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये मुझे रिप्रेजेंटेशन मिलती है टेन की। तो चीजें वही हैं, जस्ट मुझे दोनों पार्ट पे कंसिडर करना है, उसका पॉजिटिव पार्ट और उसका नेगेटिव पार्ट, दोनों पार्ट मुझे यहां पर देखना है और फिर बताना है कि ये नंबर किस तरीके से जाता है, कहां जाता है। अब हम आते हैं अपनी एक्सट्रीम तरफ, जैसे कि हम राइट साइड के एक्सट्रीम में देखें तो नंबर हमें मिलता है पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी, लेफ्ट तरफ के एक्सट्रीम में देखें तो हमें नंबर मिलता है नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है ये क्या है, इसको बोलते हैं ये होता है एक्सट्रीम राइट और नेगेटिव इन्फिनिटी होता है एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ हमें देखने को और मिलती हैं, ठीक है। इसी नंबर लाइन पे हम दोस्तों अपना ग्रेटर देन और लेस देन का भी कंसेप्ट बना सकते हैं, कैसे बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर हम सेवन लिखते हैं यहाँ पर फोर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ें देखिए रिप्रेजेंटेशन हो रही है, सेवन फोर से बड़ा है, ठीक है, नंबर वाइज हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब जो भी नंबर बड़ा होता है वो कहाँ आता है, वो राइट साइड में जाता है, राइट मोस्ट ऑफ फोर, फोर के राइट साइड में। देखिए फोर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, सेवन यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, तो फोर के देखिए राइट साइड में है ये नंबर,
राइट साइड में है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव में देखते हैं माइनस ऑफ 5 ले लेते हैं और माइनस ऑफ 2 ले लेते हैं। माइनस 2 माइनस 5 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। अगर माइनस 2 माइनस 5 से बड़ा है तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखिए माइनस 2 की क्या है, ये है राइट ऑफ माइनस 5, माइनस 5 के राइट में है। देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन देखिए माइनस 5 की ये रही, माइनस 2 की ये रही। देखिए माइनस 5 जो है, माइनस 2 जो है वो माइनस 5 के राइट में है, बिल्कुल राइट साइड में है। तो हम यहाँ डेफिनेशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है, जो बिगर और असेंडिंग नंबर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो राइट साइड में हमें मिलेंगे, राइट साइड ऑफ नंबर लाइन, नंबर लाइन के राइट साइड में हमें दिखेंगे। कैसे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए 0 यहाँ ले लेते हैं, 1 इससे बड़ा है, 2 इससे बड़ा है, 3 इससे बड़ा है, 4 इससे बड़ा है, 5 इससे बड़ा है, 6 इससे बड़ा है, 7 इससे बड़ा है, सो ऑन ऐसे लिख देते हैं। 1 से छोटा क्या, माइनस 1, माइनस 1 से छोटा क्या, माइनस 2, माइनस 2 से छोटा क्या, माइनस 3, माइनस 3 से छोटा क्या, माइनस 4, माइनस 4 से छोटा क्या, माइनस 5, माइनस 5 से छोटा क्या, माइनस 6, माइनस 6 से छोटा क्या, माइनस 7। गौर कीजिएगा, ये तो हो गया देखिए असेंडिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ से ले लेते हैं, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें जा रही हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें चलती चली जा रही हैं, नेगेटिव से हमने शुरू किया था, करते करते एक्सट्रीम हम राइट तक पहुंच गए। और देखिए ये है राइट साइड, राइट साइड है, ये है लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट और लेफ्ट साइड में दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट साइड में जो है हमें ग्रेटर और बिगर नंबर मिलेगा, बिगर नंबर मिलेगा। लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, स्मॉलर नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी देख लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे कि मान लेते हैं 5 है और एक नंबर लेते हैं माइनस ऑफ 4 है। गौर कीजिएगा 5 बड़ा है माइनस 4 से, 5 कहाँ है, 5 राइट साइड में है। और कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 6 है और एक नंबर है मेरे पास, सपोज ले लेते हैं माइनस 6 है और मेरे पास एक नंबर है माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 4 देखिए बड़ा है, माइनस ऑफ 4 कहाँ है, माइनस ऑफ 4 यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो राइट साइड में है। तो जो भी नंबर बड़ा होता है वो हमेशा राइट, आपके राइट हैंड साइड में आपको नजर आता है, ठीक है। इस तरह से हम नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं। चीजें वही हैं, जस्ट हमने पहले नंबर लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसकी स्केलिंग करी। ये जो होता है इसको हम स्केलिंग बोलते हैं, जो हमने माइनस वन और प्लस वन से किया, कि हम ये तो बताएं नंबर आपस में स्केल्ड है, मतलब जो नंबर है वो आपस में इक्वल दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है। गौर करिएगा वर्ड, इक्वल दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है, स्केलिंग ऑफ नंबर्स। और उसके बाद हमने देखा राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट क्या है, जो भी नंबर बड़ा होता है वो राइट साइड में रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे कोई भी किसी भी टाइप का इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव, किस तरह से बैठता है, किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।